हेलो फ्रेंड्स, पहले तो आज बहुत बहुत अच्छा दिन है। तो जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। आज मेरे स्वामी का प्राकट्य दिन है। आज वो शुभ दिन है जहाँ हमारे जिस दिन हमारे स्वामी जी का प्राकट्य दिन था। तो मैं अपने स्वामी से यही कहूँगी कि हे स्वामी समर्थ, सदा हमारे पाठीशी रहा, मतलब सब सदे हमेशा हमारे पीछे से रहो, हमारे सर पे अपना हाथ रखे रहो। आज आपका प्राकट्य दिन है स्वामी, मैं बस यही विनती करूंगी कि आपकी बेटी परीक्षा में खड़ी है। आज से 15 दिन बचा है, आज 10 तारीख है, आज से 15 दिन बाद मेरी 100 बेटियों की शादी है। बहुत सारे जन अड़चन डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे पता है जैसे मैं हर बार पास हुई, इस बार भी पास होंगी। आज मैं सुबह सुबह वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि वीडियो बनने में लेट हो जाती है, क्योंकि नवरात्रि का दिन चालू है, रात भर पूजे पर बैठी हूँ मैं, क्योंकि मेरा विश्वास ही मेरी पूजा है। मैं देखिए और किसी पे विश्वास नहीं करती, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे मंत्रों में उतनी ताकत है, मेरे पूजे में उतनी ताकत है कि मैं सब कुछ बदल सकती हूँ, क्योंकि मुझे अपने भगवान पे पूरा भरोसा है। मुझे इतना विश्वास है कि मैं अगर अपने भगवान की पूजा करती हूँ तो भगवान मेरा साथ जरूर देते हैं। मेरी माँ विंध्यवासिनी सुबह सुबह मुझे दर्शन देती हैं रोज़ सुबह। कामाख्या 10 महाविद्या की शक्तियों की पूजा चालू है। कामाख्या 10 महाविद्या, कामाख्या में इस वक्त कामाख्या में राज राजेश्वरी की पूजा की जा रही है, जहाँ पे काली, तारा, षोड़शी, क्या भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुर भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला, इनकी पूजा की जाती है। जहाँ पे माँ कामाख्या की गर्भ गोपा है, जहाँ माँ का योनि रूप है, वहाँ पे माँ मातंगी और माँ कमला साक्षात उनके साथ विराजमान है। विश्व सुंदरी, त्रिपुर सुंदरी और माँ लक्ष्मी वहीं पर विराजमान है, ऐसी बात है, बहुत बड़ी बात होती है। कल मैंने कहा था 10 महाविद्या की शक्तियाँ लेने से बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले हम आज थैंक यू बोलेंगे। मैं अपने स्वामी समर्थ को, मैं अपने भगवान, मैं अपने मस्तान बाबा को हमेशा दिल से बहुत मानती हूँ। तो सबसे पहले बोलूँगी आई एम सॉरी मेरे मस्तान बाबा, मेरे से जो भी गलती हुई मुझे माफ़ करो। आई गिव मी मस्तान बाबा, मुझे कबूल करो मेरी सारी गलतियों के साथ, अपने इस बच्चे को कबूल करो। थैंक यू मस्तान बाबा, आप मेरी सारी गलतियाँ माफ़ करके हर बार मुझे अपने प्यार में, अपने गोद में बिठा लेते हो। और लव यू मस्तान बाबा, क्योंकि मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरे इस दुनिया में आपके सिवा कोई नहीं है, ऐसी बात है। क्योंकि परसों जब मैं अमावस्या के दिन शमशान घाट गई थी ना, तो मैंने बहुत सारे रिश्ते नातों को शमशान घाट में अंतिम संस्कार करके आ गई थी इस तरह से। क्योंकि इस जीवन में मैंने ये एक बात सीखी है कि हमें अकेले चलना है, अकेले ही चलना है, क्योंकि ज़िंदगी में पूजा पाठ ही मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसी बात है। तो आप मुझे हमेशा संभाल के रखना, मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना। मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य है लोगों की मदद करना, मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य है आगे बढ़ना, ऐसा। तो मेरे साथ मेरे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबरों को भी एकदम आगे बढ़ाना, उन सबकी काम पूरा करना, जितने लोगों का काम लिया उनका काम करना, जो भी मेरे साथ आज की तारीख में शादी में मेरी मदद कर रहे हैं उनकी ज़िंदगी के भी सारे सपने पूरे करना। जैसे मेरे सोहेब भाईजान हैं, उम्र कम है लेकिन इरादे बहुत बुलंद है, मजबूत है, उनकी भी सारी उम्मीदें पूरी करना। दीपक सोलंकी जो हमेशा बहुत सारे बिजनेस करना चाहते हैं, दिमाग बहुत है उसके पास, छोटी उम्र में बहुत बड़ा काम करना चाहते हैं, उसकी भी सारी विश पूरी करना। दीपक केदार जी जो पैंथर सेना के लिए, लोगों के लिए बहुत तत्पर लड़ते हैं, लेकिन इंसान को लड़ने के लिए ताकत नहीं, पैसा भी चाहिए, इसलिए उस दुनिया का सबसे पैसे वाला इंसान बनाना। मनोज सोनावने जो हमारे जय भीम भीमनगर के हैं, उन्होंने भी हमेशा हर जगह पे कभी किसी को ना बोलना नहीं सीखा, उन्हें भी ज़िंदगी का सबसे अच्छा, मतलब सबसे पावरफुल आदमी बनाना। क्योंकि कहते हैं ना, इन सबका सपोर्ट अगर मिलेगा, जब हमारे चारों तरफ 4 खंभे खड़े रहेंगे तैसा, और एक मैं, मुझे भी इतना ताकतवर और पैसे वाला बनाना कि मैं भी लोगों की इसी तरह से मदद करूं। आज मैं 100 लड़कियों की शादी का प्रण कर रही हूं, कल मैं 1000 लड़कियों की शादी कर सकूं। बस इस परीक्षा की घड़ी में हम सबको पास करना। मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिस तरह से लोगों ने धोखा दिया है, उन्हें इस पूरी दुनिया में विजय प्राप्त करवाना, कोई उनके आगे न टिक पाए। राहुल गांधी जी इस साथ, देखिए हर बार सबको मौका मिलना चाहिए, इस बार इस हमारे राहुल गांधी जी को लोगों ने पप्पू कहा है, इस बार हमारे पप्पू को ज़रूर पास करवाना। आज आपका प्राकट्य दिन है स्वामी, आपसे हमारा हक होता है मांगने का। प्राकट्य दिन के दिन भक्त देते हैं, लेकिन माँ बाप ही आप हो तो बच्चे तो माँ बाप से ही मांगेंगे, तो मैं तो आपसे ही बोलूँगी, ऐसी बात है।
आज बहुत अच्छा दिन है, नवरात्रि का दूसरा दिन है, ब्रह्मचारिणी का दिन है और आज मेरे स्वामी का प्राकट्य दिन है। मैंने कहा था रोज मैं एक छोटा सा मंत्र दूंगी, तो आज मैं एक अच्छा सा मंत्र दूंगी जो बहुत ही पावरफुल है। अगर इस दुनिया में अगर हमें ऐश्वर्य धन प्राप्ति चाहिए, एक जबरदस्त आकर्षण प्राप्ति चाहिए, तो आज एक मंत्र है, मैं लिख भी दूंगी बनीचे। ओम क्लीम कृष्णाय वाक्य सिद्धि देही देही क्लीम नमः। ओम क्लीम कृष्णाय वाक्य सिद्धि देही देही क्लीम नमः। ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है क्योंकि आज स्वामी का प्राकट्य दिन है, तो इससे अच्छा मंत्र कोई हो नहीं सकता। ऐसा देखिए, मुझे काम की जरूरत नहीं है, मैं तो 12 तारीख का वेट कर रही हूँ, आज हो गई 10 तारीख, मैं बस 12 तारीख का वेट कर रही हूँ कि जिसने जिसने आज तक मेरी टांग खींचने की कोशिश की, जिसने जिसने मुझे हमेशा खड्डे में डालने की कोशिश की है, मैं देखना चाहती हूँ कि मैं जिनकी पूजा करती हूँ, मैं जिनकी भगवान की आराधना करती हूँ, वो उनके साथ क्या करते हैं। क्योंकि मैं इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म में लगी हूँ, क्योंकि मैं कर्म में विश्वास करती हूँ, कर्म से बड़ा कोई फल नहीं होता। तो मैं अपना कर्म करने जा रही हूँ, कर्म का फल देना मेरी माता रानी के हाथ में, मेरे स्वामी के हाथ में, मेरे मस्तान बाबा के हाथ में, ऐसी बात। तो इस वक्त मैं अपना काम कर रही हूँ और सारा कुछ सब उन पर छोड़ दिया, सब कुछ वो देखेंगे, मुझे किसी का कुछ नहीं देखना है, मुझे सिर्फ अपना काम करना है। दूसरी बात, शादी के लिए बहुत सारे लोग मजाक करते हैं, यूट्यूब मेरा देखते हैं, क्योंकि मैंने अपने जो भी पैम्पलेट बताया उस पर यूट्यूब लिंक डाला है, तो मेरे को पता है सब यूट्यूब लिंक को जरूर सर्च मारते हैं। तो इतना बोलूँगी कि मैं 100 जोड़ों की शादी करा रही हूँ, तो जोड़ों की शादी के लिए लड़का और लड़की का नाम और फोटो चाहिए। कितने लोग मजाक करते हैं, हमारे पास 3 लड़के हैं, 4 लड़के हैं, लड़कियाँ ढूंढ के दो, मत दिमाग पे लोगों, भाई मैं अघोरी हूँ, मैं शमशान पहुंचाने वाला काम करती हूँ। क्यों अपनी 7 पीढ़ियों को शमशान पहुंचाना चाहते हो? एक बात याद रखना, अघोरी जब अपनी औकात पे आ जाता है ना, तो वो फिर वो करता है जो किसी ने नहीं सोचा होता है। तो प्लीज़ कृपया, इस वक्त मैं शांत मन से माँ का रूप लेके 100 बेटियों की शादी लगाने पे लगी हूँ। मुझे माँ के रूप से, माँ काली का रूप बनने पे मजबूर ना करे, नहीं तो ऐसा ना हो कि सर्व विनाश हो जाए। ऐसी बात है, अपने काम में लोगो, लड़कियां हैं तो लड़कियों का नाम दो, नहीं है तो चुपचाप बैठो। मेरे पास लड़कियां आनी रहेंगी, आ जाएंगी, 30,000 रुपया दे रहे, दहेज का इतना सामान दे रहे, ठीक है, नहीं कुछ तो एक एक लड़की को 1,00,000 रुपये का सामान मिल रहा है, दहेज के सामान के साथ 30,000 रुपये के साथ अगर जोड़ो तो सामान मिल रहा है, शादी करके मिल रहा है। तो जिन्हें ज़रूरत होगी वो आएंगे, जिन्हें नहीं होगी वो नहीं आएंगे, ठीक है। जय माता दी।